आज की यात्रा हम जानकी चट्टी से गंगोत्री के लिए कर रहे हैं। इस यात्रा में हम हिमालय की चोटियों पर रहने वाले गुप्त योगी तपस्वियों से मुलाकात करेंगे और रास्ते में पड़ने वाले उत्तरकाशी शहर में स्थित भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और रास्ते के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए गंगोत्री धाम पहुँचेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुशील। हम इस वक्त चारधाम यात्रा पे, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा हम यमुनोत्री की यात्रा करके आए थे। इस वक्त मैं यमुनोत्री की यात्रा जहाँ से जानकी चट्टी से शुरू होती है, मैं इस वक्त उसी जगह पे हूँ। और अब इसके बाद है ना, हमें यहाँ से जाना है गंगोत्री के लिए। गंगोत्री का जो सफ़र है करीब 200-250 में एग्जैक्टली नहीं पता, जो गंगोत्री जाना है। तो हम अभी देखो सुबह के 8 तो बज चुके हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, देखते कैसा होता है। अभी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का जानकी चट्टी जहाँ से हम यमुनोत्री की यात्रा पैदल मार्ग से करते हैं वहाँ का गांव का वातावरण दिखाऊंगा आपको। मुझे गांव वालों से पता पड़ा है यहाँ पे 2 से 3 फीट 4 फीट 5 फीट तक भी बर्फ़ आ जाती है 2 से 3 महीने तक सर्दी हो के। तो कैसे गुजारा करते हैं हम सोचते हैं चारधाम यात्रा पर हम आते हैं, और इतना यहाँ महंगा रेट होता है, पर कारण भी उसके पीछे कई होते हैं। इतना सुंदर गाँव, सुंदर मंदिर के मैं आपको अभी दर्शन कराऊँगा। यहाँ का जो आपको उत्तराखंड के मंदिर का टेक्चर और जो उनकी सराउंडिंग्स मिलेंगी ना, वो देखने लायक है। पीछे आप देख रहे हो कितना प्यारा धूप निकल चुकी है, उजाला जल्दी हो जाता है पहाड़ों पे। आपको 5 बजे अमूमन तेज उजाला दिखेगा और जब धूप निकल जाती है इतने प्यारे वातावरण में आप देख ही रहे हैं। अभी मैं आपको अंदर गांव में ले जाता हूँ, जानकी चट्टी जहाँ से पैदल यात्रा यमुनोत्री की होती है, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं। अभी ये यात्री यात्रा से कुछ मतलब ये यात्रा मार्ग भी है। यहाँ पर पार्किंग 2 है, एक शिव शक्ति पार्किंग जहाँ हम रुके हैं और एक जानकी चट्टी पार्किंग। पर जानकी चट्टी पार्किंग में जाम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम इधर रुके। मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा कहाँ हमने रुके थे। आइए पहले गांव में चलते हैं। अभी है ना, मैं एक मंदिर में आया हूँ, आप देख रहे होंगे जानकी चट्टी में ये मंदिर बना हुआ है। अधिकतर मैंने देखा है जो गांव होते हैं ना छोटे, और ये उधर मंदिरों का टेक्चर बहुत प्यारा है। आप देखेंगे हम भी अपने जो सिटी में रहते हैं ना, जैसे मान लो कि जहाँ हम रह रहे हैं उसके आसपास मंदिर होते हैं, विख्यात नहीं होते हैं पर हम जो हमारे आसपास मंदिर होते हैं उसी तरह का ये मंदिर है। पर देखो कितना प्यारा टेक्चर है इस मंदिर का बना हुआ, कितनी सराउंडिंग चारों तरफ इसके आप देखेंगे पहाड़ और मंदिर प्यारा। अभी तो इसके द्वार बंद है पर हमने बाहर से दर्शन किए, श्री कृष्ण माता राधा के बाहर लगे पड़े हैं। मेरे को लग रहा है श्री कृष्ण का ही मंदिर है ये। तो अभी मंदिर में दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं पर मैं आपको सराउंडिंग्स दिखा रहा हूँ, इतनी प्यारी हैं। और मुझे बहुत दिल से अच्छा लगा कि उत्तराखंड में गांव इतने प्यारे हैं जानकी चट्टी। अंदर कोशिश करते हैं आपको गांव दिखाएं और उसके बाद थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि किसी से बात करें यहाँ पर इस गाँव का क्या है, जो हमने सुना है वो पूरी तरह से क्या बात है। तो चलो अभी है ना, हम गांव में घूम रहे थे तो हमें भैया की शॉप मिली। ये भैया कुदी प्राणा जी हैं, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, तो जो जानकारी हमें ये दे सकते हैं जो हमारे मन में कुछ गांव को देख के सवाल उठ रहे थे वो भैया बता सकते हैं। नमस्कार भैया, मैं ये चाह रहा था भैया बताओ यहाँ अपना सेकेंड लोग फर्स्ट फ्लोर की जगह सेकेंड फ्लोर पर क्यों रहते हैं? सेकेंड क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है सर। अच्छा, बर्फ़ पड़ती है के कारण यहाँ पे मतलब गर्म रहते हैं, वो ये गर्म रहते हैं कमरे। अच्छा, इसलिए लकड़ी के रहते हैं, फिर बर्फ पड़ती ज्यादा। अच्छा, मकान यहाँ देखते हैं लकड़ी के बनाए जाते हैं, लकड़ी के ज्यादा बनाए जाते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि जब बर्फ पड़ती है तो यहाँ पे लोग अपना स्टोरेज सब्जी वगैरह सब करके रखते हैं, लकड़ी वगैरह। अच्छा हाँ, नवम्बर दिसंबर के बाद फिर स्टोर कर देते हैं, फिर उसके बाद बर्फ पड़ जाता है, 5-7 फीट बर्फ पड़ जाता है यहाँ पे, 5-7 फुट जाम अभी खड़े हैं। अच्छा, मतलब मैं मान सकता हूँ पहला माला सब भर जाता होगा बर्फ से। हाँ जी, हाँ जी। और फिर यहाँ के लोग 50% तो जिनका भार है वो निकल जाते हैं नीचे गांव छोड़ के। फिर जैसे 50% जिनका है नहीं फिर वो यही रुक जाते हैं, फिर वो अपना स्टोरेज कर। मतलब कहने का मतलब आपका जो बिजनेस का टाइम बस यही है, जो लोकल रहने हैं उनका यही टाइम है। जो चारधाम दो तीन महीने टूरिस्ट चलता है, उसके बाद जुलाई के बाद बरसात डल जाता है, फिर टूरिस्ट भी कम ना के बराबर। हाँ, मतलब ये दो दिन फिर उसी से साल भर का। बाकी टाइम आप लोग क्या करते हैं? बाकी टाइम क्या करना है, फिर 6 महीने ऐसा है कि आराम, मतलब गांव की जो काम हो थोड़ा बहुत वही करते। वही आजकल ही होता है जुलाई में, थोड़ा यहाँ आलू सेब
या बस दो नवंबर तक होता है, फिर उसके बाद बर्फ पड़ता है, फिर न खेतों में कुछ होता है न कुछ। अच्छा, मैं आपकी दुकान पे जैसे ये शॉप पे देख रहा हूँ सामान, तो ये सारा सामान भी बर्फ के टाइम पे आ पाता है? ये नहीं आ पाता है। चिप्स वगैरह आम जीवन स्टोर करना पड़ता है। अच्छा, ये भी आप स्टोर करके रख लेते हैं चिप्स वगैरह ये चीजें? अच्छा, दूध की सबसे बड़ी होती है कई बार दूध, तो खैर आप लोकल अपना ये गाय भैंस के चाहिए जो पैकेट से टूरिस्ट के लिए रहता है, ये टूरिस्ट रहते हैं? ठीक, नहीं तो यहाँ भैंस कम रहती, गाय ज्यादा रहती। ये भी गाय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ गाय की अपने उत्तराखंड में हाइट भी कम होती है और उसके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी कारण से मैं सोच रहा था कि यहाँ पे क्यों है। पर सुंदर बहुत है गांव आपका, मंदिर बहुत सुंदर है। फिर आपसे बहुत खुशी भी मिलके, फिर मिलेंगे, आपने हमें जानकारी दी बहुत बहुत। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और गंगोत्री के लिए निकलते हैं। दोस्तों, अभी मैं यमुनोत्री की यात्रा करके गंगोत्री की ओर जा रहा हूँ। मुश्किल से मैं अपने यमुनोत्री, जहाँ से यमुनोत्री की यात्रा चांदकी चट्टी से पैदल यात्रा शुरू होती है, वहाँ से मैं निकल के मुश्किल से 50 किलोमीटर का सफ़र किया है। मेरे को रोड पे चल रहा था, बहुत सी सुंदर सी वादियाँ हैं, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो, चलता रोड है, कहते हैं ना बियाबान, मतलब जंगल में मंगल, बहुत बढ़िया इलाका है। इसी बीच मुझे एक बाबा जी मिले, जिनसे मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा एक बार आपको भी थोड़ा उनसे मिलवाऊं। और आप देख सकते हैं भक्ति में कितनी शक्ति होती है, लोग डरते हैं कैसे जाए कहाँ जाए, और एक बाबा जो अपना जीवन समर्पण कर देते हैं भक्ति के प्रति, उनके भी हम कुछ विचारों को जानेंगे, क्यों ऐसा क्या और कैसे अपनी यात्रा कर रहे हैं। बाबा जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा से मेरी यहाँ मुलाकात हुई है। बाबा जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और अधिकतर बाहर यात्रा पर रहते हैं और बाहर ही घूमते हैं, और एक बाइक है बाबा की, मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखा दे थोड़ा बैक में जाके बाइक अच्छी तरह। ये हीरोंडा की स्प्लेंडर बाइक है। बाबा वैसे भी हल्के पुल्के हैं तो ठीक है, और उत्तराखंड नंबर ही है। बाबा के एक भक्त, एक श्रद्धालु ने, या बाबा के जहाँ बाबा रहते हैं वहाँ से इनको मिल गई यात्रा करने के लिए। बाबा बहुत टाइम से इस पर यात्रा कर रहे हैं। बाबा अब जम्मू कश्मीर में कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू हमारा उधमपुर का जन्म है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो बाबा आप भारतवर्ष में भ्रमण करते ही रहते हैं? बस कभी कभी कहाँ जाएंगे, छः महीने साल, कभी का ऐसे दो साल, ऐसे मतलब चलता रहता है पूरे भारत में। जैसे कभी जब पूरे भारत में लगभग सब यात्रा होगी है। अच्छा, चलते रहता, कभी इधर हो गया, कभी गर्मी में पहाड़ में, कभी सर्दी में। जैसे तो बाबा आप जैसे रहने करने के लिए आपको, आप भी योगी तपस्वी होगा, डेरा ही ढूंढते होंगे, वहीं विश्राम ही रहते हैं अपने, जहाँ एकांत शांति वातावरण, यहाँ भजन के लिए अपने साधन वगैरह। तो बाबा आपको कैसे पता पड़ता है कि यहाँ योगी महात्मा रह रहे हैं? जीतली रहा पहले अभी बीच में। अच्छा, तो आप पहले मेरा इधर कई साल रहा, 25 साल इधर, फिर मैं बीच में अच्छा वाला आ गया, अभी दूसरा महात्मा उस पर चक्कर है। आपका कम्युनिकेशन भी बन जाता है कि भाई कौन से महात्मा कहाँ है, एक से दूसरी जगह का पता पड़ जाता है। हमारा जैसे आपका होता है ना, हमारा पूरा अखाड़ा होता है पूरे भारत के अंदर, उसमें हमारे कहीं दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आप किस अखाड़े से हैं? जूना अखाड़े। अच्छा, आप जूना अखाड़े से। हमारा ऐसा होता है जैसे आप रिलेटिव होते हैं ना, हाँ, हम कहीं भी जाएंगे हमारे को रहने की खाने व्यवस्था और सब, जिसके जाते हैं महात्मा वो अपने आप व्यवस्था करते हैं। अच्छा, व्यवस्था करते हैं। मैंने सुना है कहीं कहीं थोड़ा बहुत दक्षिणा पैसे की जरूरत पड़ती है, वो भी करते हैं। सब व्यवस्था करते हैं, जैसे जाते हैं और जिसको जैसे हमारे पास आता है उसको अच्छा देते हैं, वो लोग उसकी पूजा होती है 200-500 जितना भी 100 रुपया जितना कैपिटी। हाँ हाँ, जैसा भी हो कुछ नहीं देते, इसके बाद जंगल में जाते हैं उनके पास भी होता है। जी जी जी, जैसे बड़े शहरों में हरियाणा पंजाब से कुछ, बस जैसा वो खाते हैं वो उसका अपना कराते हैं, मतलब प्रेम भाव है। अच्छा बाबा, तो जैसे अभी आप आ रहे हैं तो यहाँ अभी कहाँ से आ रहे थे आप? अभी मैं इधर से 5 किलोमीटर पीछे। अच्छा, किस मतलब ऐसे अपने काम से गए थे या किसी जी? अभी थोड़ा सामान लाना बाजार में। अच्छा, पूजा का, खाने पीने का, इनका उनका सामान। बिल्कुल। तो बाबा आप जहाँ जाते हैं वहाँ 4-व्हीलर भी चली जाती है क्या, जहाँ पे आपके आश्रम है? हाँ, 4-व्हीलर अभी थोड़ा रोड का टूट गया है, जाती है रोड में से। अच्छा, रोड में थोड़ा टूट गया है पहाड़। अच्छा अच्छा, अभी बरसात हुई तो 15-20 दिन पहले वो आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उधर इतने रोड से इतना ही जाती है। अच्छा, 2 मीटर ऊपर। अभी आप चारधाम यात्रा भी करेंगे? पहले गंगोत्री जाने बाद फिर जाऊँगा
उधर अमरनाथ, अमरनाथ जाओगे, फिर उसके बाद फिर आऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका पता नहीं, बद्री केदारनाथ का बहुत बार हो गया ना। हाँ, फिर दूसरी जगह आएगा दक्षिण भारत, कहाँ का विचार बनता है। अच्छा, जमता वो कह रहे जमता जोगी बहता पानी वाला है। और बाबा एक चीज है, आप जैसे दर्शन करते हैं अब जा रहे हैं, तो आपने मुझे बताया अमरनाथ आप यात्रा चालू होने से पहले भी हफ्ता भर पहले जाएंगे। हफ्ता एक हफ्ता पहले, इससे पहले से। कारण क्या बाबा इसका? और शांति अपने भजन पब्लिक के अंदर, अच्छा आनंद ले आता है, इतनी भीड़ में अपने शांति का वातावरण है जी, वो इतनी पब्लिक के अंदर अपने दर्शन करेंगे, उसका जो रहने का भजन करने शांत वातावरण जी, एक दिन रहकर भजन कर सकते हैं रात। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो जो ओला होते हैं उसमें दुनिया भर का हल्ला वगैरह होते हैं, नाइक लगे हैं, जेंट्स लगे रखे हैं, मजा नहीं आता। पर हम तो 25 साल से पहाड़ में रहे, बिल्कुल साइलेंट, मतलब कोई किसी का आवाज नहीं। तो बाबा आप ये जैसे वेश धारण है तो यही आप जम्मू कश्मीर में भी रखते हैं? बस एक चादर ओढ़ लेते हैं, कभी ज्यादा बर्फ हो गई तो कंबल भी ओढ़ लेते हैं रात। अच्छा जी, तो आप अमरनाथ पे ठहरते हैं आप खास करके, या एक दो दिन में आ जाते? बस अपने जाएंगे उधर, जहाँ दो दिन जाने के लगा दो दिन आने का। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी किसी फैसिलिटी नहीं है, मतलब किसी को कोई हमारा देगा खाने को, उधर लंगर लगा वैसे नहीं। अच्छा। अपने आनंद से भगवान का भजन है, अपने हिसाब से जाएंगे दो दिन। अच्छा अच्छा, दो पाँच दिन उधर, एक दिन रुकेंगे, दो दिन वह अपने हिसाब से आनंद करेंगे। बाकी वो जैसा भी जाएंगे पब्लिक बांट गए, उसमें कोई साझता नहीं होगा, अपने जाएंगे ना शांति, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो आनंद है शांति का वो अलग ही है। तो बाबा आपकी आयु कितनी होगी आज के समय? 60 साल होगी। 60 साल होगी। अब कितने समय से अपना बिल्कुल आप वैराग्य मतलब? तो 1990 से पढ़ाई की, 1990 तक। उसके बाद फिर आ गया। आपने कितना पढ़ा बाबा? थोड़ा थोड़ा। हाँ। थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ाई। अच्छा, कैसे इसकी रुझान बढ़ा आपका बाबा? बस की कृपा हो जाती है, अपने आप को नहीं होती, या कुछ आपको एहसास किया मन में आती नहीं है अपने को? वैसे ही घूमते घूमते नौकरी कर, बोले नौकरी नौकरी करो, वैसे ही घूमते आप गया नहीं घर गए नहीं, फिर जूना अखाड़े में कैसे जुड़े आप? वो तो वैसे मतलब पहले चलता रहे एक दो साल, वैसे ही रहा साल भर। हाँ। देख के पता चला, जानकारी हुई पूरी जानकारी। हाँ। कि महात्मा जीवन क्या हो, तो पहले इतना ज्ञान भी नहीं रहा, समय देखने से, महात्मा संगत करने से, शास्त्र ज्ञान करने से वो भी नहीं होता है, थोड़ा संगत करने पता चल रहा, फिर अपने आप वो अपना छूड़ आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नहीं होता घर में तो एकदम नहीं होता, फिर वो भी गुरु जी बोलते हैं गुरु लोग, तो आप बच्चे जाओ शादी करो, देख लो तुम्हारा मन में ऐसा लगे, फिर वो भी एकदम नहीं देते यार, चिल्ला बनाते, मतलब कोई मतलब उनको बंदिश नहीं करते भाई, तुम्हारा मन उस चीज में करे तब करो, एक साल दो साल तुम्हारा मन लगता है साल बदे नहीं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, ऊपर वाले को आप किसी की बंदिश से नहीं प्राप्त करते, जब तक आपका मन नहीं मानेगा तब तक आप उसकी प्राप्ति नहीं करते। गुरु जी जैसे ही बोलते हैं आपका मन लगे देख लो, ऐसा अगर आपका मन लगता है संसार में अगर शादी करने जा सकते देख लो, अगर भजन करो। जी जी जी, वो एकदम फोर्स नहीं करते, एकदम चेला बना, बाद में उसको चेला बनाते हैं, बढ़ा तो देते हैं, पर मंत्र जो पूरा सन्यास देते हैं, वो तब देते हैं जब पूरा विश्वास करते हैं कि अब ये नहीं जाएगा। जी जी, कुछ दिन बाद पता चल जाता है अपने आप ही। हाँ हाँ, ये भी नहीं हट गया, नहीं अब वो हट गया, 4 महीने पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद फिर साल में अपने आप गुरु जी अपने आप कृपा हो जाती है परमात्मा। जी जी जी, बिना गुरु कृपा कुछ नहीं होता, नहीं नहीं बिना गुरु के कुछ नहीं, गति नहीं है। बाबा जी आपके जो माता पिता से आपकी कभी मुलाकात हुई है? नहीं, हमारा तो जब उसके बाद हम गए निकल गए आने बाद। कितना वर्ष हो गया आपको अपने माता पिता? हमारे पिताजी तो पहले सर्विस करते थे 1948 में, एक्सपायर हो गए। जी जी जी, अरे 1948 में। हाँ, उसके बाद हम 90 में आया। अच्छा अच्छा, उसके बाद बाकी भाई सब सर्विस करते हैं, सब मैंने वो सब अपने सब जितने हमारे परिवार सब नौकरी सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका मन इधर ही गया, आप इधर ही हो गया और संन्यास के प्रति आपका? हाँ जी हाँ जी, तो आनंद चल रहा है सारा, आनंद मंगल है, हमारे कृपा हो गई, जंगल में आगे बढ़ी है, कहीं कहीं जाते हैं, मन पड़ गया वहाँ भजन किया था। जी, पहले 6 साल में यही रहा जंगल में। जी जी, जंगल लगातार कहाँ पे जहाँ अभी रहता है ना? अच्छा, 6 साल रहा पहले लगातार। अच्छा, कोई लाइट नहीं, बिजली नहीं दी है, तो जानवरों का भी डर रहता है? जानवर चीता आता है, बाघ आता है, भालू है। भालू भी देखे? इधर भालू रहते हैं, इधर सब भालू एरिया, बाघ चीता सब होता है। तो भालू रात के टाइम इधर आते? भालू तो नीचे नीचे रहते सारे। अच्छा, नीचे रहते दिन के टाइम भी बाबा दिखते हैं क्या भालू? बाघ चीता देखेगा दिन में भी? हाँ, बाघ चीता जैसे सुबह और रात होने पर, आजकल गाड़ी चलती है ना कम आता है, जैसे दिन खुलता है और रात अंधेरा होने से पहले। अच्छा, रात को राउंड लगता है उनका। तो ऐसे में आप रहते हैं बाबा? रात को चलते हैं वो। ऐसे में बाबा आप रहते हैं तो ये बड़ी बात है, आप तपस्वी में रहते हैं, तपस्या। चीता बाघ जो बता रहे हैं, तो इनसे आपने आपको कभी नुकसान नहीं हुआ? चीता तो
जीता तो एक बार में देखा है यस्ट इतना और इतना टेन थोड़ा सा सौ मतलब वो मैं आ रहा हुआ रात को हाँ तो स्कूटी थी मेरे पास पहले हाँ इससे पहले स्कूटी थी पहले अभी तो बहुत चली पहले ओल्ड पहले पुराने चलती स्टार्टिंग में चली जी जी बोला ओल्ड मॉडल की उधर रुक गया मैं धीरा कर दिया चीता आ गया चीता बैठ गया और बोला कुछ हमला करता है इधर हमारे क्षेत्र में नहीं करता है वहाँ कई बार आता है जी सोच बालू इधर आता है बालू मैंने देखा रात को देखा पर वो रात को एक बार आना देखा पेड़ पे था अच्छा बाकी वैसे मतलब कभी आपको परेशान नहीं किया इधर इधर किसी को परेशान नहीं किया मेरा एक मानना है पता नहीं क्या है कि जानवरों को भी अंदाजा होता है ये किस तरीके के आदमी है और मैं देख रहा हूँ जितने भी गाड़ी वाले यहाँ से निकल रहे हैं और जो लोकल गाड़ी वाले हैं फोर व्हीलर जो चारधाम यात्रा पे चलते हैं सुमो वगैरह वो भी आपको प्रणाम करते हुए निकल रहे मतलब आपको जानते हैं सब यहाँ साधु परंपरा जो चली यार उसको सबको रिस्पेक्ट सभी करते हैं भारत में कहीं भी जाओ बिल्कुल बिल्कुल उसका सबका रिस्पेक्ट जो करते हैं साधु जैसे साधु संगत करते हैं उसको मालूम ही है बिल्कुल और जिसको नहीं है तो कुछ नहीं है उनके लिए जी जी दोस्तों आपने देखा होगा हमारा सनातन धर्म ऐसे ही महात्माओं पर टिका हुआ है मेरा मन बाबा से मिलने का किया और देखा आप देखिए कैसे जंगल में कैसे अपना जीवन भगवान के प्रति अर्पण भक्ति के प्रति अर्पण करके हो सकता है कई लोगों के अपनी एक धारणा हो अपने एक विचारों को कमेंट के जरिए कहें पर मेरा मानना है सनातन धर्म और तो और भारत की ये पवित्र धरती ऐसे ही महात्माओं पर टिकी हुई है आपको भी जो उम्मीद करता हूँ ऐसे रास्ते पे जो मैं यमुनोत्री माता के दर्शन करके गंगोत्री की ओर जा रहा हूँ रास्ते पे बाबा के दर्शन हुए तो मैंने आपको भी मिलवाया बाबा आपका शुभ नाम मोहन सत्यनारायण जी तो आपने बाबा का नाम भी सुना बाबा यहीं कहीं पहाड़ों में ही इस वक्त एक तपस्या में मतलब कर रहे हैं जो अपनी दिनचर्या होती है फिर मिलेंगे आगे की यात्रा में अभी हम आ गए उत्तरकाशी शहर में और इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ मंदिर हूँ उत्तरकाशी के पहले हमने अपनी गाड़ी लगाई पार्किंग में रामलीला मैदान में जो मंदिर के ठीक पास में है और वहाँ से हम मंदिर आए कहा जाता है इस मंदिर की महत्वता इतनी है यहाँ जो उपस्थित शिवलिंग है वो स्वयंभू प्रकट है हिंदुस्तान में तीन काशी हैं एक सबसे बड़ा बनारस के अंदर स्थित काशी वाराणसी में दूसरा गुप्त काशी जहाँ भगवान शिव का मंदिर है तीसरा ये उत्तरकाशी जहाँ आप भगवान शिव के भी मंदिर के दर्शन करेंगे कहा जाता है यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू प्रकट है आप जब भी गंगोत्री जाएंगे ये मंदिर आपको उत्तरकाशी शहर में मिलेगा आप इसके दर्शन करे बिना आगे नहीं बढ़िएगा कहा जाता है इस मंदिर के दर्शन काशी के बनारस के काशी विश्वनाथ के मंदिर के बराबर माने जाते हैं तो अभी हमने अंदर दर्शन किए और पंडित जी से भी मिले ये भगवान शंकर काशी विश्वनाथ जी हैं और काशी विश्वनाथ जी के नाम से इस शहर का नाम उत्तरकाशी है काशी हमारी दो जगह विराजमान है एक बनारस में है और एक उत्तरकाशी में वो पूरब की काशी है ये उत्तर माने भारत की काशी है 12 ज्योतिर्लिंग में ये बनारस और इनको एक ही ज्योतिर्लिंग माना गया है आपने गर्भगृह में देखा होगा कि शिवलिंग थोड़ा टेढ़ा है टेढ़ा होने का भी कारण है कि मार्कंडेय जी की अल्प आयु थी जब यमराज उनके प्राण लेने आए थे तो भगवान शंकर से यूं चिपक गए थे मार्कंडेय जी भगवान शंकर को मृत्युंजय कहते हैं ना मृत्यु से भगवान शंकर ही बचाते अन्यथा कोई नहीं बचाता जब यमराज ने थोड़ा जोर से खींचा तो ये मार्कंडेय जी की भक्ति और भाव को देख के उनके सामने झुक गए जय भोले की अभी हम धराली आ चुके हैं रात के करीब 9 बज चुके हैं 8:30 बज चुके हैं सुबह हम निकले थे 8:30 बजे जानकी चट्टी से आप समझिए 12 घंटे का समय लग जाता है कई जगह आप रुकते हमने थोड़ा शूट भी किया मेरा मानना है 8-9 घंटे रेगुलर 10 घंटे आपको लग जाएंगे उत्तरकाशी दर्शन करते हुए आप आते हैं तो धराली गाँव में रहने की सुविधा अच्छी है मैंने जो रूम लिया है ये करीब 1500 रुपये का रूम है जिसमें 4 जने एक रूम में रुक सकते हैं 2 डबल बेड है और एक बड़ा किंग साइज डबल बेड है एक छोटा डबल बेड है 4 जने रुक सकते हैं इस रूम में मैंने 1500 में लिया है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में नंबर और नाम दे दूंगा आपको और अभी कल अगले एपिसोड में हम यात्रा करेंगे गंगोत्री के मंदिर की गंगोत्री तो हम पहुंच चुके हैं अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर योर टाइम
आते हैं घूमने, बहुत ही संख्या में पिकनिक स्पॉट भी है ये। कई चारधाम यात्रा आते हैं तो आते हैं, कई लोग खास करके हर्षिल के लिए गांव में हैं, कई लोग इस गांव में एंजॉय करने के लिए आते हैं चारधाम यात्रा के अलावा, कई लोग खास करके यहां पिकनिक स्पॉट